हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिरोही जिले के मेड़ मनवाड़ा में एक ऐसा रहस्य और चमत्कार है जो कहीं आपने ऐसा नहीं देखा होगा। मेड़ मनवाड़ा एक बड़ा रिहासत घराना है। मेड़ मनवाड़ा के इतिहास बहुत है, वो भी हम आपको दिखाएंगे आने वाले समय में। मगर आपको ऐसा नज़ारा जो सिर्फ कश्मीर में देखने को मिलता होगा, मगर आपको वहीं कश्मीर जैसा नज़ारा देखना है तो मेड़ मनवाड़ा जरूर जाएं। वहाँ बड़ी बड़ी पहाड़ी है जो मेड़ मनवाड़ा पहाड़ियों के गोद में बचा है। मेड़ मनवाड़ा से 3 किलोमीटर दूरी पर एक मंदिर है शीतल माता का, जो बहुत पुराना है। वहाँ के ग्रामीण गणपत सिंह नेवड़ा ने जब हमें पूछा तो उन्होंने बताया कि जहाँ हम खड़े हैं वो पहले मेड़ गांव बचता था, जो बहुत पुराना गांव था, जो 500 साल पहले मेड़ गांव था। मेड़ गांव बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच बचा था। वहाँ आज भी पुराने घरों की दीवारें मौजूद हैं और वहाँ एक मंदिर है। पहाड़ पर जहाँ के महंत कृष्ण भारती महाराज रहते हैं, उनकी भक्ति निराली है। वो हर साल में 4 महीने अलग भक्ति करते हैं। वो महाराज हर साल सावन महीने से लेकर नवरात्रि तक एक पैर पर खड़े रहते हैं। रात दिन 4 महीने तक खाना खाने का भी एक पैर आरंभ करना, रात को वो भी एक पैर, रात को सोना वो भी एक पैर, मतलब 4 महीने तक एक पैर पर ही खड़ा रहना बस। और साथ में और 4 महीने तक बोलना भी बंद रहता है, किसी से बात नहीं करते, सिर्फ इशारा करते हैं। उनकी भक्ति भी देखने जैसी है। और वो जगह कश्मीर से कम नहीं है। उस मंदिर के पास भी मेड़ गांव था। वहाँ एक बहुत पुरानी और इतिहासकार एक पानी की वाव है जो 500 साल पुराना है। वहाँ अकोला में भी पानी नहीं सूखता और वाव की बनावट बहुत अलग है, वो सबसे अलग है। वहाँ बड़े पहाड़ों पर एक तालाब है और एक सबसे बड़ा चमत्कार है, आज भी मौजूद है। मंदिर के सामने वाली पहाड़ी पर ऐसा पत्थर है, उसको कोई भी हाथ में छोटे पत्थर से बड़े पत्थर को बजाते हैं तो सबसे अलग से उस पत्थर की आवाज एकदम अलग निकलती है। जैसे मंदिरों में झालर बजती है ऐसी आवाज निकलती है, वो भी देखने लायक है। वहाँ पुरानी मकानों की दीवारें मौजूद है, आप भी एक बार देखने जरूर जाएं। जागरूक टीवी के नगाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।